नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ आज की न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार के तरफ से। दोस्तों अभी शाम का टाइम है और हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के एक दिन पहले रात में ये जो पचकोसी रोड है इस पे यात्रा शुरू कर देते हैं, लोग पचकोस करते हैं। तो अभी जो है कि रात के बज रहे हैं 10:30 और इस समय बहुत ही लोग आ रहे हैं, पचकोस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो अकेला वीर बाबा का मंदिर है, यहाँ धाम पर कुछ मतलब कार्यक्रम हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेंट वगैरह लगाया गया है और यहाँ पर शंकर जी का जो भी कार्यक्रम होता है, शंकर जी बने हुए हैं, पार्वती जी बनी हुई हैं और यहाँ पे डांस वगैरह का प्रोग्राम हो रहा है। और इधर से देखिए कितने लोग आ रहे हैं एकदम लाइन से, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कुछ अजीब ढंग का लग रहा है इतना, मतलब कि लोग आ जा रहे हैं, पचकोस कर रहे हैं। यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं और औरतें भी हैं और जेंट्स लोग भी हैं, सभी लोग देखिए पचकोस कर रहे हैं। एक दिन में ही ये पचकोसी यात्रा जो है कि समाप्त करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम हो रहा है, लोग यहाँ पे जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। दोस्तों अभी रात के बज गए हैं 11:30 और मैं अभी ये जो डांस वाला प्रोग्राम हो रहा है मैं देख रही हूँ, और साथ में हमारी मम्मी भी हैं, साजन भी हैं, तो हम लोग अपने घर से ही देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया जो है कि डांस कर रहे हैं सभी लोग, पार्वती और शंकर जी बने हुए हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो गाइज गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज गए हैं 6:30 और इधर पापा योगा कर रहे हैं और साजन अभी बिस्तर में लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों ये उठ गए हैं, तो अभी मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। और यहाँ पर मैं मच्छरदानी को फोल्ड करके रख देती हूँ और पहले तो अपने बिस्तर को समेट लेती हूँ। दोस्तों अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो अभी मैं ये सब साफ़ सफाई कर लूँगी, इसके बाद नहाऊँगी, इसके बाद खाना पीना बनाऊँगी। दोस्तों पूरा घर और बरामदा मैं साफ़ कर ली हूँ, अब मैं इधर बाहर आई हूँ जहाँ पर मैं मनीषा किचन का वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए कल मैं मनीषा किचन का वीडियो शूट की थी तो चूल्हा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो पहले मैं इसमें का राख निकाल देती हूँ और इसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। अब इसे मिट्टी से लीप देती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मिट्टी से लीपा जाता है, इसके बाद दूसरे दिन खाना बनता है। सुबह के टाइम इसे ऐसे ही मिट्टी से और पानी से इस तरह से लीप कर चिकना किया जाता है। और इधर देखिए दोस्तों हम पूरा आज झाड़ू लगाए हैं। दोस्तों घर की साफ़ सफाई करके खाली हो गई हूँ और ये कुछ बर्तन है इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं शाम का जो भी बर्तन होता है सब बर्तन शाम को ही साफ़ करके रख देती हूँ, बस सुबह में ये दूध वाला ग्लास और तवा रह जाता है, तो अभी मैं दूध वाला ग्लास और तवा को साफ़ कर लेती हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब मैं नहा कर तैयार हो गई हूँ और अभी मैं आई हूँ अपने किचन में
और आज तो व्रत वाली रेसिपी बनेगी दोस्तों। यहाँ पे मैं पहले कुकर में आलू को उबाल लेती हूँ और यहाँ पर कुछ कंडे हैं। पहले तो मैं आलू को उबालूँगी क्योंकि आलू का मुझे बनाना है नाश्ता और कंडा तो ऐसे ही उबाल कर खाया जाएगा। तो चलिए गैस को ऑन करती हूँ और आलू को रख देती हूँ उबलने के लिए। आलू को मैं उबाल ली हूँ और कंडा भी हम उबाल लिए हैं। चलिए अब आलू को तलते हैं। यहाँ पे मैं देसी घी ली हूँ और ये कंडा भी उबल गया है तो इसे मैं एक थाली में निकाल देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो अभी पानी बहुत ज़्यादा जल रहा है तो इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, अभी बाद में कंडा को निकालूंगी। और इधर हमारा घी गर्म हो गया है तो यहाँ पर मैं मूँगफली का दाना ली हूँ, इसे तल कर इस थाली में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मूंगफली का दाना अच्छे से भुना गया है, अब इसे इस थाली में निकाल लेते हैं। अब इसमें जो बचा हुआ घी है इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसमें मिर्चा का तड़का लगाते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं उबला हुआ आलू। आलू को डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही धीमी धीमी आंच पर भुनेंगे। दोस्तों आलू और मूंगफली का नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है, व्रत में ये हम लोग ज़रूर बनाते हैं खाने के लिए। और आज हमारे यहाँ हम और हमारे साजन और हमारे भैया 3 लोग व्रत हैं और इसके बाद मम्मी पापा और किशन नहीं व्रत हैं। उन लोगों के लिए मैं दाल चावल और रोटी बनाऊंगी। पहले तो ये व्रत वाला रेसिपी बना लेती हूँ, इसके बाद वो सब रेसिपी बनाऊँगी। आलू को मैं डाल दी हूँ, अब मैं इसमें डाल देती हूँ काली मिर्च पाउडर और इसमें मैं डालूँगी सेंधा नमक। सभी को डालकर इसे पलटे से चलाकर मिक्स कर देते हैं और इसे ऐसे ही 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेते हैं। आलू को अच्छी तरह से भून लिए हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली का दाना। इसे डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों आलू और मूंगफली के दाने का नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ये व्रत में आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और ये हमारे सेहत के लिए हेल्दी भी है। दोस्तों व्रत वाली रेसिपी हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हम कंडा भी उबाल लिए हैं और ये देखिए आलू मूंगफली का नाश्ता भी बन गया है। तो अब हम इस पे चढ़ाते हैं कुकर दाल बनाने के लिए। दोस्तों मैं खाना बनाकर खाली हो गई हूँ और अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और पूजा करने के लिए मैं चलूँगी कंदमेश्वर महादेव मंदिर पर। ये हमारे घर के नज़दीक में ही पड़ता है और वहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही दूर दूर के लोग आते हैं दर्शन करने। महाशिवरात्रि का पूजन करने के लिए यहाँ पर हम जल लिए हैं और इसमें फूल डाले हुए हैं, बेलपत्र लिए हैं और अब मैं रेडी हो गई हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और बाकी का जो भी सामान है, बेर हो गया और धातूरा और सब भी चढ़ाया जाता है शंकर भगवान को, तो वो सब हम मंदिर से ही लेंगे। तो हम चल रहे हैं और किशन हैं और साजन हैं, तो हम लोग चलते हैं दोस्तों मंदिर पर और आप लोग भी चलिए, आप सब भी कंदमेश्वर महादेव का दर्शन कर लीजिए। फाइनली दोस्तों मैं कर्दमेश्वर महादेव मंदिर पर आ गई हूँ और यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। ये है महादेव का मंदिर और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर तो हम अक्सर आते रहते हैं पूजा करने के लिए और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर के लोग आज के दिन आते हैं दर्शन करने और यहाँ पर देखिए फूल माला धतूरा जो भी सामान होता है, बेर मक्को ये सब जो है कि यहाँ पर मिल जाता है, सभी लोग बैठे रहते हैं लेकर। तो
तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ चढ़ाने के लिए बेर और धतूरा वगैरह। तो ये देखिए अभी ये लेकर हमें देंगे, अभी मैं लगी हूँ लाइन में। देखिए दोस्तों बहुत ही लंबी लाइन है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। दोस्तों महादेव का दर्शन करके मैं आ गई और बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, काफ़ी टाइम बाद जो है कि दर्शन मिला और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। बहुत ही भीड़ थी दोस्तों, तो मैं उधर तक कैमरा नहीं ले जा पाई, इधर ही से मैं आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ भगवान जी का। और अब मैं आ गई हूँ घर पे। चलिए दोस्तों अब नाश्ता करते हैं, पहले तो निकालते हैं भैया को और इसके बाद हम लोग खाएँगे। यहाँ पर मैं ली हूँ देसी गुड़ और ये रहा हमारा आलू मूंगफली का नाश्ता। तो बस दोस्तों सुबह फास्ट में यहीं चलेगा और शाम को कुछ और बनेगा। और ये रहा उबला हुआ कंडा, तो इसे भी ले लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा ये छोटा सा ब्लॉग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।